शहीद दिवस पर भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी की प्रतिमाओं का माल्य अर्पण किया। एमपी के देवास जिले में नर्मदे युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेश अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में शहीद दिवस पर अमर शहीद भगत सिंह सुखदेव व राजगुरु की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। माल्य अर्पण के पश्चात प्रवक्ता सोनू सोनोने ने सोमायरा न्यूज से बात करते हुए देश के प्रत्येक युवाओं से शहीदों की मार्ग प्रशस्त पर चलने एवं माँ भारती की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया है। इस अवसर पर नर्मदे युवा सेना के मीडिया प्रभारी गौतम शर्मा, प्रदेश आईटी सेल संयोजक अखिलेश सिंह तवर, अतुल शास्त्री, राजेश मालवी एवं नर्मदे महिला रक्षा मंच से जिला अध्यक्ष रोशनी ठाकुर, प्रवक्ता डोली सोनी भी उपस्थित थी। आज आप यहां पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी की पुण्यतिथि पर आए, आपने यहां पर क्या किया? इस देश की वो प्रतीकता है जिसने इस देश की स्वतंत्रता के लिए जिस रूप से अपनी रक्त रंजित अवस्थाएं इस देश की मिट्टी में सम्मिश्रित कर कर इस देश में वो संदेश दिया है कि जब तक ये देश माँ भारती का सर्वोच्च हम लोगों को शीर्ष पर स्थापित करना है, तब तक भारतीय मनुष्यता को जब जब इस देश के ऊपर विषम स्थितियाँ आएंगी, तब तक इस देश का नौजवान, इस देश का युवा, इस देश का प्रत्येक वो नागरिक जो माँ भारती के लिए अपने आप को समर्पित कर सके, जब जब वो अपने देश के लिए कुछ समर्पित होगा, जब जाके देश संरक्षित होगा। आज भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी की पुण्यतिथि है और ये प्रत्येक भारतीय के लिए बड़ा गौरव का क्षण है कि जिस तरीके से शहीद हुए और शहीद होने के बाद में जिस रूप से देश में संदेश प्रवाह किया है कि जियो तो इस देश के लिए और जीवन होते इस देश के लिए, जो संदेश है वो बहुत अद्भुत है। भगत सिंह को जिस प्रकार से फांसी के फंदे पर जब लटकाया गया था, शहीद किया गया था, तो भगत सिंह की जब दृष्टि उस फांसी के फंदे की ओर आकर्षित हुई, भगत सिंह के मन में क्षण भर भी ये गम नहीं था कि मेरी मृत्यु का समय है, अपितु उन्होंने अपने सर्वस्व को सबके लिए समर्पित कर दिया, इस देश के लिए समर्पित कर दिया, माँ भारती के लिए समर्पित कर दिया। हमें गर्व है कि हम इस देश के नागरिक हैं, जहाँ पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस प्रकार से अपने प्राण को त्यागे हैं माँ भारती के लिए, हमें बड़ा गर्व रहेगा। बस यही उस उद्देश्य था कि आज पुण्यतिथि थी, उनका स्मरण करा, नमन करा और देश के प्रत्येक नागरिक से अनुरोध करता हूँ कि उनके पद चिन्हों पर चलकर इस देश की संरक्षकता के लिए खुद को समर्पित करें। आपका परिचय? नर्मदे युवा सेना से प्रवक्ता सोनू सोनोन मेरा नाम।